दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजनीति भी बढ़ती जा रही है। सोमवार की सुबह भी राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आंकड़े को पार करता हुआ पाया गया। और इसी मुद्दे पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुबह इंडिया गेट का दौरा किया, जहां पर वायु प्रदूषण को लेकर सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। राजधानी दिल्ली में सर्दियों के समय बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा और यूपी सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार दिल्ली सरकार की नाकामी को करार दे रही है। राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से प्रदूषण की मार को झेल रही है, जिसके चलते दिल्ली में अब प्रदूषण को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है, जहां पर महज 200 मीटर दूर जो इंडिया गेट है उसकी विजिबिलिटी भी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो इंडिया गेट यहाँ से महज 200 से 300 मीटर दूर है, जिसकी विजिबिलिटी पूरी तरह से यहाँ गायब हो चुकी है। और इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, वो भी पूरी तरह से धुंध की चादर में जो है लिपट चुका है, जिसके कारणवश जो है दिल्ली में प्रदूषण इतना हो गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल की बात करें तो अभी इंडिया गेट के आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है 300 के आंकड़े को टच कर चुका है, जो कि दोपहर ढलते ढलते 400 के भी पार जो है इसका आंकड़ा पहुंच जाता है। इंडिया गेट पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदूषण पर चिंता जाहिर की, दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा कि दिल्ली में बढ़ने वाला प्रदूषण सिर्फ दिल्ली सरकार की नाकामी और विफलताओं का नतीजा है। जो पराली को कंट्रोल कर सकती है वो पंजाब में धूल फाँक रही है, दफ्तरों में पड़ी है, यूटिलाइज नहीं हो रही है, और ये कहते हैं कि पराली का धुआं नहीं है। तो दिल्ली की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल से, आतिशी मार लेना से, PM 2.5, क्या है PM 2.5? ये वो कण है जो हर दिल्ली वाला खुले में चलते हुए ले रहा है। ये हम अपने सर का एक बाल पकड़ लेना, एक बाल ये 100 माइक्रोन का है। अब आप 2.5 लगा लीजिए, कितना महीन होता होगा वो। आज दिल्ली में अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 10 में से हर तीसरा आदमी गले में खराश, खांसी, नाक बहना, आंखों में पानी, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह से पीड़ित है। हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बच्चे इन बीमारियों से ग्रसित हैं। कारण है सिर्फ धूल। बहरहाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजनीति से प्रदूषण की रोकथाम में तो कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम कितने कारगर साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।